हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या हेल्पिंग गाइड। तो डिलीवरी डेट से पहले फट जाए अगर पानी की थैली तो क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में महिलाएं क्या करें। काफ़ी ज़्यादा महिलाएं जो हैं घबरा जाती हैं, तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं महिलाओं के। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको सही जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पे अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खासकर पहली प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है इस चीज़ को लेकर। अक्सर महिलाओं को 8 या 9 महीने बाद डिलीवरी की डेट दी जाती है। डॉक्टर महिला की हेल्थ कंडीशन देखने के बाद डिलीवरी की डेट तय करते हैं, लेकिन कई बार प्रसव से पहले ही थैली, जो पानी की जो थैली होती ना, वो फट जाती है, जिससे महिला घबरा जाती है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर पानी की थैली जो होती है वो समय से पहले फट क्यों जाती है, महिलाओं को ऐसे में क्या करना चाहिए, और आखिर पानी की थैली क्या होती है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होती है पानी की थैली, सबसे पहले जानते हैं। देखिए कंसीव करने के बाद महिला गर्भाशय में एमियोटिक थैली बन जाती है, जिससे शिशु ठहरता है, ठीक है, मतलब जिसमें शिशु बनता है। मगर कई बार जो है समय से पहले जो है थैली फट जाती है, समय से पहले जो है पानी की थैली अगर फट जाती है तो इससे रिसाव शुरू हो जाता है, हल्का हल्का आपका जो है पानी लीकेज होने लगेगा, यानी कि वाटर ब्रेक होने लगेगा। और कभी कभी महिलाओं को जो है पता भी नहीं चलता है, जिसकी फर्स्ट बार डिलीवरी होती ना, तो उसको तो खासकर इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए समय से पहले पानी की थैली फटने के क्या क्या कारण होते हैं, मतलब क्या संकेत आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी जो है पानी की थैली फट चुकी है। तो आपको बता देते हैं, देखिए आपके वजाइना में गीलापन महसूस होगा, बहुत ज़्यादा गीलापन होगा महसूस, तो आपको समझ जाना है कि आपकी जो पानी की थैली है वो फट चुकी है, ठीक है। अधिक मात्रा में फ्लूट निकलना, जैसे बहुत ज़्यादा फ्लूट निकलना है, आपके पैंटी वगैरह गीली हो रही है, तो आपको समझ जाना आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं। पीले रंग और बदबूदार फ्लूट आना, ठीक है, वाटर ब्रेक होने पर आपको क्या करना चाहिए, आप इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कुछ संकेत जो थे मैंने आपको बताया, ये संकेत आपको दिखाई देंगे जब आपको पानी की थैली फटेगी, ठीक है। और जब आपका वाटर ब्रेक होता है तो आपको क्या करना है, पानी की थैली फट जाने पर सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को फ़ोन करना है, ठीक है। आप अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो आपको एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। अगर आपके पास साधन है, खुद का सुविधा है, तो आपको डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद आपको अपने मतलब हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए आपको, ताकि डॉक्टर आपको सारी तैयारी पहले से करके रखे, जिससे कि आपको पहुँचने में भी कोई दिक्कत ना हो और आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर भी आपको पहले से सजेस्ट कर देंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर पानी की थैली फटती है तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही तो करनी नहीं है, घर पे नहीं बैठ के रहना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। अब समय से पहले क्यों फट जाती है थैली, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए भ्रूण का सिर जो होता है उल्टा हो जाना, उल्टा हो जाता है तो भी थैली जो है फट जाती है। गर्भाशय में किसी तरह का इन्फेक्शन होना, अगर बच्चे का सिर जो है नीचे की ओर भी जो होना है तो पानी की थैली जो है जल्दी फट जाती है। संकुचन के कारण भी जो है पानी की थैली जो है कमज़ोर होकर फट जाती है। आपके कोई इन्फेक्शन या संक्रामक के कारण भी जो होती है थैली फट जाती है, या फिर आपके कभी पहले भी ऐसी डिलीवरी हुई हो जो समय से पहले हो गई हो, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा शराब या धूम्रपान करते हैं इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान सही देखभाल ना करना, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से थैली जो है समय से पहले फट जाती है। अगर थैली फटने के बाद लेबर पेन शुरू ना हो तो क्या करना चाहिए, अगर पानी की थैली फट जाने के 24 घंटे तक लेबर पेन शुरू ना हो तो डॉक्टर अपनी तकनीक इस्तेमाल करके प्रसव पीड़ा करवाने की कोशिश करते हैं, या फिर इंजेक्शन वगैरह देंगे दर्द बढ़ाने के, या फिर कोई टैबलेट वगैरह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब थैली फट जाती है तो शिशु को प्लेसेंटा के जरिए ऑक्सीजन और अन्य जरूरी तत्व मिलते हैं, जिससे जच्चा और बच्चा को इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। तो आमतौर पर पानी की थैली फटना डिलीवरी का ही संकेत होता है, इसलिए महिला को तैयार रहना चाहिए। सेहत से जुड़ी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है।
और कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। ठीक है।